बटन न्या चैप्टर, न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। फिफ्थ चैप्टर जो है तो प्लस वन प्लस टू फर्दर स्टडीज के लिए फर्स्ट और सेकंड क्लास, तो ये बेसिक्स है फर्दर स्टडीज के जो आपस में रिलेटेड हैं। जैसे इन इक्वेशन आ गया, इसमें सेट्स आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स में सेट्स में कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, इस टाइप से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, वैसे तो देखने से ही पता लगता है, बोर्ड ने पहले ही थोड़ा सा डरा दिया, बट नाम ही कॉम्प्लेक्स नंबर रख दिया, कोई टिपिकल नंबर है। लेकिन अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन करेंगे तो टिपिकल नहीं रहेगा। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए नेम इज कॉम्प्लेक्स नंबर बट इट इज इजी, है आसान। नाम इसका वैसे गलती से कॉम्प्लेक्स रख दिया गया, है आसान नंबर। देखिए क्या है ये चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, देखिए देखिए टेंथ क्लास में, टेंथ क्लास तक हमने किया है स्क्वायर रूट ऑफ वन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें ये देखना है कि वन किस चीज का स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ, ये स्क्वायर है, तो वन जो है किस चीज का स्क्वायर है, प्लस वन और माइनस वन दोनों का स्क्वायर है। वन का स्क्वायर करें तब भी वन, माइनस वन स्क्वायर करें तब भी वन, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो प्लस माइनस वन आ गया। तो ये आपको पता है कि वन का स्क्वायर रूट प्लस माइनस वन क्यों है, क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है अगर अंदर हम स्क्वायर लिख दे, भी उस नंबर का स्क्वायर लिख देते, रूट 64 है वो आपको पता है भाई ये क्या होगा, प्लस माइनस 8 स्क्वायर है तो प्लस माइनस 8 आंसर आ गया। बट अगर रूट माइनस 1 है तो रूट को अगर हमें रिमूव करना है तो हमें ये देखना है स्क्वेयर रूट के अंदर जो नंबर है वो किस चीज का स्क्वेयर है, तभी रूट खत्म होगा। स्क्वेयर रूट खत्म करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो किस चीज का स्क्वेयर है। करते हैं बेटा डिस्कस, देखिए तो ऐसा नंबर हमें बताना है जिसका स्क्वायर करें तो माइनस वन है, जो कि पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। प्लस का स्क्वायर करें तब भी और माइनस का स्क्वायर करें तब भी प्लस। तो ये किसी भी नंबर का स्क्वेयर नहीं हो सकता भाई, माइनस वन तो कभी आ ही नहीं पाएगा, तो किसी नंबर का स्क्वेयर भी नहीं हो सकता। और बेटा अगर आपको टेंथ क्लास का ध्यान हो, हम क्वाड्रेटिक करते थे तो एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डी लिखते थे, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, ये फार्मूला होता था। तो टीचर ने हमें बताया भाई डी अगर लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो का मतलब जीरो से कम का मतलब नेगेटिव, अगर डी नेगेटिव है तो टीचर ने बताया रूट्स नॉट पॉसिबल, रूट्स पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स है, नॉट पॉसिबल। तो जहां से हम टेंथ छोड़ के आए थे वहीं से प्लस वन स्टार्ट करेंगे, भाई रूट के अंदर माइनस पॉसिबल नहीं था टेंथ क्लास तक, तो ये नहीं है कि प्लस वन में आके पॉसिबल हो गया। अब भी नॉट डिफाइंड है बट उस नॉट डिफाइंड का एक नाम है आई, इस आई को हम कहेंगे आयोटा या इमेजिनरी। आयोटा या इमेजिनरी, आयोटा ग्रीक वर्ड है, जैसे हम इमेजिनरी कह दिया, नॉट डिफाइंड कह दिया, तो ग्रीक लैंग्वेज में आयोटा को कहते हैं नॉट डिफाइंड, जो पॉसिबल नहीं है। तो अब भी इम्पॉसिबल है लेकिन उस इम्पॉसिबल का नाम हमने आई लिख दिया। तो आप ये कह सकते हैं
कि प्लस वन का जो फर्स्ट रिजल्ट है वो यही है कि रूट के अंदर माइनस पॉसिबल नहीं है, उस इम्पॉसिबल का नाम आई है। तो सबसे पहला रिजल्ट आयोटा या इमेजिनरी, आई फॉर आयोटा या इमेजिनरी, रूट के अंदर माइनस पॉसिबल नहीं है, उस इम्पॉसिबल का नाम आई, आयोटा। और बेटा आप अपने मोबाइल कैलकुलेटर कंप्यूटर पे भी कैलकुलेट करके देखेंगे ना, रूट माइनस वन ऑपरेट करके देखेंगे तो एरर शो करेगा, नॉट पॉसिबल शो करेगा, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है आपको बता दिया, वैसे तो हम डायरेक्ट ही कह देते भी रूट माइनस वन ही जाए याद रखिए, लेकिन आपको हमने लॉजिक बता दिया, अगर रूट खत्म करना है तो हमें सोचना है माइनस वन किस चीज का स्क्वायर है, स्क्वायर कभी भी माइनस वन नहीं होता, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये इम्पॉसिबल है रूट के अंदर माइनस। टेंथ में भी माइनस बी प्लस माइनस डी आप लिखते थे, डी क्या होता था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर डी नेगेटिव था, अगर डी नेगेटिव था तो टीचर ने कहा था ये नॉट पॉसिबल है। तो सबसे पहला रिजल्ट रूट माइनस वन इज आई, कोई डाउट? वन टू थ्री नंबर पूछना है आपको, फोर्थ फिफ्थ, कोई डाउट है तो बोलिए आप, वन टू थ्री फोर फाइव, मीनिंग बस एक ही कहना चाहते हैं, रूट के अंदर माइनस पॉसिबल नहीं है। वन टू फाइव में कोई डाउट है तो आपको सिर्फ नंबर कोट करना है, फर्स्ट नंबर बता दो, सेकंड बता दो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे पूछना बेटा आपको। फर्स्ट रिजल्ट हमारा यही हो गया कि रूट के अंदर माइनस जो है वो पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट रिजल्ट। प्लस वन का फर्स्ट रिजल्ट भी कह सकते हैं, रूट के अंदर माइनस वन अब भी नॉट डिफाइंड है, लेकिन उस नॉट डिफाइंड का नाम आई है, आयोटा है, इमेजिनरी है, फर्स्ट रिजल्ट ये हो गया। तो ये नहीं है कि रूट माइनस टू जे हो जाएगा, फिर के हो जाएगा, आई जे के एल एम एन को इंग्लिश लैंग्वेज इस ढंग से अल्फाबेटिकली चलेगी। अब मान लीजिए रूट माइनस फोर है तो ये भी नॉट डिफाइंड, पर इसको हम प्लस वन के अकॉर्डिंगली क्या कहेंगे, माइनस फोर को फोर इंटू माइनस वन लिख सकते हैं, फोर का स्क्वायर रूट अलग लिख लो, माइनस वन का अलग लिख लो, फोर के स्क्वायर रूट का नाम टू है, इसका आई है, तो रूट टू आई आ गई। भाई इसको 4 इंटू माइनस वन लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट अलग, माइनस वन का अलग, रूट ए बी है तो उसको रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर था तो उसको अलग अलग पावर्स ले सकते हैं, ए बी एन था तो अलग अलग पावर ले सकते हैं, तो रूट है तो इसमें भी अलग अलग पावर ले सकते हैं, पहला अलग दूसरा अलग, तो रूट फोर टू और ये आई, तो टू आई हो गया। रूट माइनस टू है, रूट माइनस वन, रूट माइनस टू, रूट माइनस थ्री, कोई भी, इसको टू को अलग लिख लिया, माइनस वन को अलग लिख लिया, टू का रूट टू रह गया, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर वाला होता तो लिख देते, रूट माइनस वन को अलग लिख दिया, तो दिस इज रूट टू आई आ गया। यानी अब माइनस रूट के अंदर कोई भी चीज है उसका हम एक नाम दे सकते हैं, आई की टर्म से उसको हम एक नेम दे सकते हैं, आई की टर्म से। फर्स्ट ये लिखा है, रीजन आपको बता दिया, नॉट डिफाइंड क्यों है, क्योंकि ये माइनस वन किसी चीज का स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होंगे। सेकंड हमने ये लिख दिया, थर्ड ये लिख दिया, कोई डाउट है तो पूछिए। तो ये बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए, रूट के अंदर माइनस वन पॉसिबल नहीं है, रूट के अंदर नेगेटिव, उसका आंसर आई की टर्म्स में आएगा। सेकंड रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, रब कर रहे हैं बेटा, नंबर पूछे आपको कोई डाउट, वन टू थ्री, सेकेंड नंबर, पावर्स ऑफ आई, ये तो आई लिख दिया तो आई पावर वन माना जाएगा, पावर्स ऑफ आई। एक बेटा नोट्स आप कलेक्ट कर लेना, जिसको नोट्स ऐसे हम पीडीएफ को भेज रहे हैं, पर नोट्स जिसको कलेक्ट करने हैं हार्ड कॉपी जैसे नोट्स की जिसको चाहिए, एक दो बच्चों ने अभी कलेक्ट किया, लेकिन और जिसको चाहिए तो आप कलेक्ट कर लेना, हाउस नंबर 1087 कॉर्नर हाउस है, कॉर्नर पर है,
जो एक मेन रोड है, कहाँ पे है कॉर्नर, मेन रोड ज्वाइनिंग सेक्टर 13 to 16, तेरह से सोलह को ज्वाइन करने वाली जो रोड है ना, जहाँ पे एक मटके वाला बैठा है, तेरह सेक्टर 13 और 16 को ज्वाइन करने वाली रोड पर, पुलिया वाली रोड बोलते हैं, जहाँ एक छोटी सी नहर सी जा रही है, तो उस वाली रोड पे कॉर्नर पे बैठा है हमारा। आप फोन करके आएंगे, आपको तैयार मिलेंगे, लोकेशन कहेंगे तो लोकेशन भेज देंगे, जिस बच्चे को आना है तो पहले फोन करके आए, नोट्स आपको तैयार मिलेंगे, 1 to 6 चैप्टर इसके नोट्स तैयार मिलेंगे आपको। तो जिसको लेना बेटे फोन करके हम हमारे से कलेक्ट कर सकते हैं। अभी 6 चैप्टर्स के तैयार किए, तो इन 6 चैप्टर्स के आप ले सकते हैं। पावर्स ऑफ आई, तो बेटा आई पावर 1, तो पावर 1 लिखने का कोई लॉजिक नहीं था, सिर्फ आई लिख दी, रूट माइनस 1 नहीं लिखेंगे, बस आई की टर्म्स में आंसर छोड़ दिया जाता है। आई स्क्वायर है बेटा, तो स्क्वायर है, इसका आंसर क्या होगा बेटा, तो आई रूट माइनस 1 होल स्क्वायर, रूट और माइनस 1 कैंसिल, तो माइनस 1 हो जाएगा। स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर नेगेटिव है, स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स आई स्क्वायर का मतलब यही है बेटा, आई स्क्वायर का क्या मतलब है, आई इंटू आई, रूट माइनस 1 इंटू रूट माइनस 1, तो रूट माइनस 1 स्क्वायर हो गया। आई स्क्वायर रूट माइनस 1 स्क्वायर, रूट और ये कैंसिल, तो माइनस 1 आ गया। स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, आई का स्क्वायर नेगेटिव है, तो ये सिंपल क्यों हो गया, पावर खत्म होगी तो सिंपल हो गया, जैसे हम कहें 2 स्क्वायर को सिंपल करो तो सिंपल क्या हो गया, 4। आई क्यूब, तो इसको हम लिखेंगे आई को 3 टाइम्स, तो आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर माइनस 1 है इंटू आई, तो माइनस आई, सिंपल क्यों हो गया, पावर खत्म होगी, जैसे हम कहते 2 क्यूब को सिंपल करो तो आप कहेंगे जी 8 आंसर आए। आई 4, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख दो, स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, माइनस 1 इंटू माइनस 1, 1 आ गया। आई की 4 पावर हमने डिस्कस की अभी तक जो बोर्ड पे लिखी है, आई पावर 1, आई पावर 2, आई पावर 3, आई पावर 4, इनमें से आपको कोई डाउट है तो नंबर पूछ लीजिए बेटा, आई पावर 1, 2, 3, 4, आई पावर 1 इज एज इट इज, आई स्क्वायर इज माइनस 1, आई क्यूब इज माइनस आई, कैसे आई आपको बता दिए। आई की डिफरेंट पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, आई पावर 1 इज आई, पावर 1 है तो एज इट इज, लेकिन इक्वल टू रूट माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, गलत नहीं है लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। आई स्क्वायर इज माइनस 1, आई क्यूब इज माइनस आई, आई स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, आई का स्क्वायर नेगेटिव है कॉम्प्लेक्स का, आई मतलब रूट माइनस 1, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, आई क्यूब है, आई को 3 बार लिखना है तो आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर का आंसर हमें पता था इसलिए आई स्क्वायर इंटू माइनस 1 इंटू आई, आई 4 आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर 1 आ गया, तो ये तो कोई एंड नहीं होगा। आई पावर 5 क्या है, आई पावर 6 क्या है, 7 क्या है, तो उसकी क्या ट्रिक है, फर्दर वो देखिए, फर्स्ट रिजल्ट या सेकंड के 4 पॉइंट्स लिखते हैं, इसमें कोई डाउट, अगर आई की कोई और पावर है तो ये तो कभी एंड नहीं हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000, 1,00,000, 1,00,000, तो मतलब कोई एंड नहीं होगा, तो ट्रिक क्या है, आई की और कोई पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई की कोई और पावर अगर एन ग्रेटर देन 4 है, 4 तक तो हमें पता ही है, 4 से ज्यादा यानी 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे में, तो ट्रिक क्या है, आई 4 तो आप लिख ही लो, तो आंसर पता है, 1 आई 4 तो लिख ही लो, फिर सोचे यहाँ क्या मल्टीपल है, और फिर सोचे कोई रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं,
अगर पावर फोर से ज्यादा है तो आई फोर तो लिखी लो, फिर सोचो मल्टीपल क्या है, फिर सोचो रिमाइंडर क्या है। फॉर एग्जाम्पल आई पावर 101 है, तो वैसा तो मतलब ये है कि आई को 101 टाइम्स लिखो। ट्रिक क्या बताइए, आई फोर तो लिखी लो, 101 को 4 से डिवाइड करो, या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट हमें पता है तो 25 फोर जार 100 इंटू रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है, 1 ठीक है, 8th क्लास का। 2 स्क्वायर क्यूब इसके इक्वल होगा, 2 स्क्वायर क्यूब का क्या मतलब है, 2 स्क्वायर को कितनी बार लिखना है, 3 टाइम्स, तो 2 पावर 6 होगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ए पावर एम पावर एन है तो ये ए एम एन हो जाता है, मतलब ये 100 हो गया। लेकिन 2 पावर 2 क्यूब है तो ये 2 पावर 8 है, लेकिन जैसे ही हम ब्रैकेट लगा देंगे, ये तो 2 पावर 2, जैसे ही ब्रैकेट लगा देंगे तो 2 स्क्वायर को 3 टाइम्स लिखा गया, तो 2 पावर 6 हो गया, बेस सेम है तो पावर सेड होगी, यानी ब्रैकेट लग जाती है, ब्रैकेट लग जाती है तो पावर गेट मल्टीप्लाइड, एम को एन बार लिखने, कोई डाउट, रिकैप, 8th क्लास में कोई डाउट, 1 नंबर, 8th क्लास में 2 नंबर, 8th क्लास में 3 नंबर, 8th क्लास में 4 नंबर, कोई डाउट 1 2 3 4 में, 8th क्लास वाले में कोई डाउट, मतलब थोड़ा सा कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है भाई, ये तो 4 पावर 25 ऐसा नहीं है, ब्रैकेट लग गई तो मल्टीप्लाई होगी, ए एम एन है तो ए एम एन हो गया, 2 स्क्वायर क्यूब है तो ये 2 पावर 8 नहीं है, 2 स्क्वायर को 3 टाइम्स लिखा तो 2 पावर 6 है, 2 पावर 2 क्यूब है तो 2 पावर 8, मतलब ये 101 ही है। आई फोर को 1 कहेंगे, 1 की कोई भी पावर 1 इंटू आई, तो आई आंसर आ गया, ये सिंपल खत्म होगी तो सिंपल हो गया आंसर, कोई डाउट, फर्स्ट रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट, थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, और देखिए आई पावर 102 है, आई फोर तो लिखी लो, ये थोड़ी के आईटो को 102 बार लिखेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये 25 पर चला गया, तो आई स्क्वायर बच गया आगे पर, दस ये 1 है। अब आपको ट्रिक पता लगी, बोले सब तो वैसे बेवकूफ बना रहे थे, ये तो अंदर स्टूडियो के आई फोर लिखना ही था, तो बस फर्स्ट टाइम कैसे करना है उसको ट्रिक का नाम दे दिया, जैसे आप सोच रहे हो उस लैंग्वेज को हमने ट्रिक का नाम दे दिया बस, तो आई स्क्वायर का आंसर माइनस 1, क्या ये सिंपल हुआ, यस सिंपल हो गया। कोई डाउट, तो बेटा 4 से इसका तो कोई रोल रहेगा ही नहीं, हमेशा रिमाइंडर बचेगा, तो इसको 4 से डिवाइड करने के बाद जो बच जाएगा वो आंसर है, ऐसा भी कह सकते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर बचेगा, जैसे 101 है, 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 बच गया, चाहे इस ढंग से भी सोच सकते हैं, तो रिमाइंडर बचेगा क्या, किसी चीज को 4 से डिवाइड करेंगे तो, किसी चीज को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या 4 से ज्यादा बच जाएगा, नहीं, क्या बचेगा 0 1 2 3, ये तो पूरा चल जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, या 1 या 2 या 3, तो 0 1 2 3 का आंसर हमें पता है, यानी आंसर जो है आई की कोई भी पावर हो, आई की कोई भी पावर हो, आपका आंसर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर जो बचेगा 1 2 3 बचेंगे, तो आपका आंसर या तो 1 आ सकता है, -1 आ सकता है, आई आ सकता है, या -i आ सकता है, ऐसा आंसर नहीं आएगा, जैसे 1 की कोई भी पावर ले रहे थे हम,
वन की कोई भी पावर ले रहे थे तो आंसर क्या रहता, वन ही आएगा। माइनस वन की कोई भी पावर लेंगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस वन या माइनस वन। ये थोड़ी है कि हजार लाख करोड़ आ जाएगा। तो आई की कोई भी पावर लेंगे तो आपका आंसर सिर्फ क्या आना चाहिए, वन माइनस वन आई या माइनस आई, इन चार में से एक आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। सर कोई डाउट? यस बेटा पूछिए। सर एन की पावर, एन की वैल्यू हमेशा फोर से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ज्यादा है, फोर से ज्यादा नहीं है तो वी नो वन आई वन का आंसर, आई टू का आंसर, आई थ्री या आई फोर। फोर से ज्यादा है तो हम डिवाइड करेंगे, अदरवाइज डिवाइड करने की क्या जरूरत है, फिर तो आंसर ही आ गया बेटा। अगर फोर से ज्यादा है तो डिवाइड करके निकाल लेंगे बेटा, अदरवाइज जरूरत नहीं है, अदरवाइज तो हमें पता ही है बेटा। तो ट्रिक बना दी भाई, आई फोर है, आई फाइव है, आई सिक्स है, कहां तक जाए। आई फोर का सिंप्लीफाइड आंसर वन आ गया, तो जो भी आई की पावर है आई फोर की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो पावर फोर से ज्यादा है तो फोर की टर्म्स में एक्सप्रेस कर तो सकते हैं हम उसको बेटा, क्योंकि फोर से डिविजिबल है, वो डिवाइड कर सकते हैं, फोर से डिवाइड हो सकता है, रिमाइंडर बचेगा वो लिख दिए। और देखिए जैसे आई का पावर 50 है बेटा, तो आई फोर तो लिख ही दिया, फोर से डिवाइड किया तो 12 पे चला गया, टू रिमाइंडर बच गया, तो ये तो वन हो गया बेटा, आई स्क्वेयर ही बच गया केवल, वो माइनस, स्क्वेयर कैन नॉट बी नेगेटिव। जो हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं ये आपके माइंड में इक्को करती रहेंगी बेटा, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में बैठे होंगे तो आपके माइंड में आएगा स्क्वेयर कैन नॉट बी नेगेटिव, आई स्क्वेयर नेगेटिव है, उसका आंसर माइनस वन है, पावर फोर से ज्यादा है तो उसको डिवाइड करेंगे, तो ये सब आपके माइंड में गूंजता रहेगा। बिल्कुल क्लियरली आपको ये लगेगा कि टीचर मेरे साथ बैठा है और एग्जाम करवा रहा है मेरे को, बिल्कुल इस ढंग से ये रिजल्ट आपको याद करवा देंगे हम। तो आई स्क्वेयर माइनस वन हो गया। कई बच्चे आंसर आया तो फाइव ही छोड़ जाए तो आधा नंबर उनका कट जाता है, 79 एंड हाफ आ जाते हैं, फिर ये आंसर थोड़ी है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। क्या लिखेंगे, आई फोर तो लिख ही लो, तो एक ही रिमाइंडर बचेगा, आई फाइव के फैक्टर्स कर लिए, ये तो वन बन गया, ये आई तो आई आंसर आ गया ना, तो आई फाइव आंसर नहीं छोड़ के आना, आई क्यूब आंसर नहीं छोड़ के आना, आंसर माइनस आई लिखेंगे, आई स्क्वायर आंसर नहीं छोड़ के आना, माइनस वन लिखेंगे, आई फोर आंसर नहीं छोड़ के आना वन। आई की किसी भी पावर में आंसर नहीं छोड़ेंगे, आपका आंसर या तो वन माइनस वन आई या माइनस आई आना चाहिए। आयोटा 10 है तो उसका क्या आंसर आएगा बेटा, आयोटा 11 का आंसर क्या आएगा, करिए कैलकुलेट, आयोटा पावर 11 का आंसर क्या आना चाहिए, फोर से डिवाइड करेंगे बेटा इसको, क्या आंसर आना चाहिए देखिए, आयोटा पावर 11 है तो उसका आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, माइनस आई, यस बेटा गुड। आयोटा फोर तो लिख ही लेंगे, टू तो आयोटा क्यूब बच गया, ये वन तो माइनस आई आ गया, आयोटा क्यूब है, ये तो आंसर पता होना चाहिए, आई पावर वन का आई, आई स्क्वेयर का माइनस वन, आई क्यूब का माइनस आई, आई फोर का वन, आई क्यूब का चाहिए इमीडिएट कैलकुलेट हो जाइए। कई टीचर इस ढंग से भी बताते हैं, बस यहीं तक बताते हैं, फिर कहते हैं आई स्क्वेयर की टर्म्स में लिख लो इसको, भाई आयोटा पावर एन है तो आई स्क्वेयर पावर क्या आएगा और फिर रिमाइंडर क्या बचेगा, वो भी ठीक है, पर वो माइनस वन पावर फिर सोचना पड़ता है, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिखिए। तो आपका आंसर हमेशा आई का पावर का वन माइनस वन आई माइनस आई ही आएगा। अभी तक आज के लेक्चर में एक ही रिजल्ट बताया, टेंथ में आप क्या छोड़ के आए थे, रूट के अंदर जो नेगेटिव है वो इम्पॉसिबल है, रूट के अंदर जो नेगेटिव है वो पॉसिबल नहीं है, उस इम्पॉसिबल का नाम आई, पावर्स ऑफ आई, आई पावर वन, आई स्क्वेयर, आई क्यूब, आई फोर, आई पावर वन इज आई, आई स्क्वेयर इज माइनस वन, आई क्यूब इज माइनस आई, आई फोर इज वन। आयोटा की पावर अगर फोर से ग्रेटर है तो फोर से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो लिख लेंगे, तो रिमाइंडर जो है हमेशा फोर से कम ही होगा, जब फोर से डिवाइड करेंगे, फोर से कम का मतलब वन टू थ्री, उनका आंसर यही आएगा, आई माइनस वन माइनस आई या वन, ऐसे आ जाएगा, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स नंबर पूछिए आप।
कोई डाउट है तो नंबर बोले आप। फर्स्ट थ्री क्वेश्चन देखिए बुक के, फर्स्ट थ्री क्वेश्चन जब कर रहे हैं बेटे, फर्स्ट थ्री पहले तीन क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट थ्री क्वेश्चन। फाइव आई इंटू आई का मतलब हमें पता है माइनस थ्री बाय फाइव आई, क्या आंसर आएगा? फाइव तो कैंसिल, प्रोडक्ट करनी आती है तो माइनस थ्री इंटू आई स्क्वायर, पावर तो छोड़नी है आई स्क्वायर, कोई डाउट? सर पहले माइनस फाइव आई को अलग से सोल्व नहीं करेंगे? माइनस अलग से क्या मतलब, जैसे फाइव एक्स इंटू थ्री बाय फाइव एक्स है, इस टाइप का क्वेश्चन, एक्स इसमें आई होगा, अलग से सोल्व करने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली। जैसे फैक्ट जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने किया बेटा, फाइव एक्स इंटू माइनस थ्री बाय फाइव एक्स है तो क्या करते हैं, फाइव कैंसिल माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, अलग से कोई जरूरत नहीं, बस ऐसे ही। वन टू थ्री जैसे बेटा एक्स होता था, एक्स की जगह आई आ गया, बस सेकंड देखिए सेकंड, तो आई की डिफरेंट पावर कैसे कैलकुलेट करनी है ये बताया जा रहा है। आयोटा पावर नाइन प्लस आयोटा पावर नाइनटीन, तो आई के दो क्वेश्चन होंगे, आई फोर तो लिख ही लूं, फोर टू जार और आई बच गया, आई फोर तो लिख ही लें हम, फोर आई का क्यूब बच गया, आई फोर तो वन होता है बेटा, आई आ गया, ये वन होता है आई क्यूब आ गया, आई क्यूब माइनस आई तो ये कैंसिल हो गया जीरो, वन टू थ्री फोर नंबर बोलिए। जब आयोटा पावर 100 150 हमने आपको बता दिया, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी थी, कोई डाउट? कोई कंफ्यूजन है तो बोल रहे हैं आप। थर्ड क्वेश्चन, आई पावर माइनस थर्टी नाइन, तो बेटा पावर जब भी माइनस है तो हम उसको प्लस कर लेते हैं, ए पावर माइनस एम है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल लेके नेगेटिव ऐसे लिख सकते हैं, रिवर्स भी था वन बाय ए एन है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए पावर माइनस एम, तो आयोटा पावर माइनस थर्टी नाइन है तो उसको आप 1 by I 39 लिख सकते हैं, पावर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल ले लिया जाता है, बेस का रेसिप्रोकल, बेस के I, I का रेसिप्रोकल ले लिया, पावर नेगेटिव है तो बेस का रेसिप्रोकल हो जाता है, पावर नेगेटिव है तो बेस का रेसिप्रोकल हो जाता है, 39 को क्या कहेंगे, 4 9 cube ये 1 तो माइनस आई है, अब देखिए बेटा तो ये वन बाय माइनस आई आ गया या माइनस वन ओवर आई कह देंगे, कोई डाउट? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ नंबर बोलना है आप। आई की कोई पावर तो छोड़नी नहीं है, आई पावर माइनस वन हुआ, वन बाय आई तो क्या हुआ, आई पावर माइनस वन हो गया, लेकिन आई की कोई पावर तो छोड़नी नहीं है, हमारा आंसर तो क्या आना चाहिए, प्लस वन माइनस वन आई या माइनस आई, ये आना चाहिए हमारा आंसर,
पावर तो छोड़नी ही नहीं है, तो ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? अगर आयोटा डिवीजन में है, ये रहा डिवीजन में आई, तो पर माइनस वन तो लिखनी नहीं, आंसर तो ये आना चाहिए। तो इसको रैशनलाइज कर देना है, रूल है, ध्यान रखना है। रैशनलाइज का मतलब ये नहीं माइनस आई से मल्टीप्लाई, माइनस आई से डिवाइड, ये नहीं है माइनस इसका मतलब। मतलब सिंप्लीफिकेशन, एक्स एन नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, जैसे टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड। तो बेटा ऊपर तो ए आई है, नीचे आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर का मतलब माइनस वन है, तो माइनस ए आई आंसर आ गया। तो ट्रिक है, अगर नीचे आया होता है ना, तो आई की कोई पावर नहीं छोड़नी, आपका आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, वन माइनस वन आई या माइनस आई आना चाहिए, वन बाय यानी आई पावर माइनस वन नहीं आना चाहिए आंसर। तो करेंगे क्या, तो ये बेसिक्स हैं बेटा, ये देखिए जैसे हम आपको बता रहे हैं, आई से मल्टीप्लाई, आई से डिवाइड, तो माइनस आई ओवर आई स्क्वायर, आई स्क्वायर को माइनस वन कह देंगे, स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर नेगेटिव है, तो आई आंसर आ गया हमारा। और ये ट्रिक नंबर, ये फाइव सिक्स सेवन नंबर पूछिए, आप कोई डाउट है तो बताया जाएगा आपको, आराम से चेक कीजिए, कोई डाउट है तो नंबर पूछ लीजिए बेटा आप, जस्ट नंबर कोट करना है, पूछना बहुत आसान। आपको ये कहना भी थर्ड समझने है, फोर्थ समझने है, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे बेटा। कोई डाउट है तो आप नंबर पूछिए, केवल थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे पूछिए आप। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, आई, आई का मतलब आयोटा, जो आप टेंथ में छोड़ के आए थे कि रूट के अंदर माइनस पॉसिबल नहीं है, और उसकी डिफरेंट पावर, और फर्स्ट थ्री क्वेश्चन डिस्कस किए। एक बार फिर से ज्वाइन किए, फिर फर्दर बताते हैं आपको।